नमस्कार है। बताओ क्या बात है मंत्री जी, आप कहाँ की ड्यूटी लगा रहे हो? हम बाहर वाले फाटक पे थे। अच्छा, हाँ खराब आज तुम्हारे लिए ऐसा काम आ गया है मंत्री जी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुझसे रहा नहीं जाता है। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी ये बात है, सुनो और समझो। बताओ। आपको थोड़ी बात मालूम भी है, अभी दो चार दिन हुए पीछे मेरी बहन आई थी मेरे यहाँ। हाँ, और भांजे फूल डोल की शादी है देश बंगाल के अंदर। शादी कहाँ ब्याह हुआ है? शादी विवाह एक युवा करता है। अरे शादी में पूरी खान के मिलती ब्याह हूँ दरिया भात। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसे समझ में आए। तो सुनो, आज तुम्हारे लिए क्या काम है? काम हो भाई कर रही हो? अभी देखो देश बंगाल को चलना है, लड़ाई के मैदान में चलना है। और एक टाइम की बात है, जिस टाइम पर मेरे चाचा जी ने मेरी भुजाओं को बांध करके कुआं के अंदर डाला था, उस टाइम मेरे उस छोटे भैया जिसका नाम है मैना मंसूख, आज मंत्री जी उस भाई से मैंने उसी जगह पर कॉल करार किया था कि छोटे भैया जहां कहीं प्रदेश के अंदर जाऊंगा तुमको मैं साथ में लेकर के जाऊंगा। ठीक है, आज मंत्री जी वो टाइम आ गया है, अभी आप थोड़ी देर ठहर जाओ, भैया के लिए मैं पत्र लिख दूं, उसके बाद में तुम्हें जाना है। ठीक है, लिखो। ठीक है, लिखो। ए चिमटा मास्टर बड़क के बहुत जल्दी से जल्दी आओ अपने काम पर। लोग समझ लो, यानी सुबह को हम पैसे नहीं देंगे, जो चिमटा बजा रहे इनको पैसे देंगे, समझो। हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए राजानल अपने छोटे भैया मैना मंसूख के लिए पत्र कैसे तैयार करते हैं और पत्र में कौन कौन सी बातें लिखते हैं, सुनो और समझो। चिट्ठिया लिख रहे नल बनवारी, चिंता कोई बात नकी नाई, और चल के जईबो बंगाले का और भमरिया साथ ली डलवाई। अरे सीती श्री बोई सब लाए कहीं, हाँ
पत्र तैयार हो गया है और पत्र लेकर के जाना। थोड़ी बात तुम जवानी बता देना। कहाँ पढ़ाई लिखो तुमने? यही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अच्छा के मैं तुमने सिग्नेचर नहीं करे? वे सिग्नेचर कहा जाता है इसका, हो गए हैं। अच्छा सिग्नेचर का है? हाँ जी, तुम्हारे सिग्नेचर। हाँ और हमने आज तलक था कही नहीं पे हम कहीं सिग्नेचर कहे जाए। बक, बक। दिमाग नहीं सही है तुम्हारा। बता, ले जाओ इसको और जाकर के ये पत्र दे देना और थोड़ी बात आप मुझबानी मेरे छोटे भाई को बता देना। कोनो नोची दे वे कोनो काहे के लिए नोचो जात मालूम काहे के लिए? अच्छा हाँ बता, कोने मुझे मरे मरा ने चिट्ठी आओ ऐसे ही ले जाओ इसको। अच्छा हम कहानी तो तेरू कोनो नोची दो जाती हुई। अच्छा अरे नहीं ले जाओ और छोटे भैया को मुझबानी थोड़ी बात बता देना कि तुम्हारा दादा जी ने तुम्हें देश नर्मदा के अंदर याद किया है। ठीक ठीक बैठो जाओ भैया। हो मालिक साहब यार, अब कुर्सी वर्सी तो एक थे हो यार है? राजा लोग का इधर खड़े रहे का जो होता ही बात बंद। अरे मेरी बही गई न दुनिया बारी माँ, मेरी बही गई बिचारे उन्हें न दुनिया ले पाई यानी काम धंधा करके अब मेहरुआ ले पाई। अब वो बिचारी बहुत परेशानी गेहूं के ढोने को ढूंढे ढोने ले आगे रखता चलाई के है आवाज लगाए। अरे महाराज जयराम 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 नमस्कार आधा बरास जय भीम महाराज। देखिए मुझे पहचाना है, मैं कहां से आया हूं? पहचान लिया? देखिए हम तुम्हारे भाई के मंत्री हूँ।
और हमारी तो आदत है यानी हंसी मजाक चकल्लस यानी करना ही के। एक पत्र भेजा है और तुम्हारे लिए आप पढ़ ले और आराम संग में यानी तुम्हू चले तुम्हारी मेहरुआ चले आ रहे है पैदल आए नहीं अगर पैदल न चली पाबो आबो हमारी बोगी पर बैठी ले हो। आगे करिया घोड़ा मचो खूब चंदी टक 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 भैया बैठी ले हो। Yeah.
नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कौन सा कार अटक गया इतनी जल्दी से हमको बुलवा लिया है? छोटे भैया आ चुके हो, बिल्कुल अकेले आए हो? नहीं, कश्मीरा भी साथ में आई है, उनको हमने कम महलों, बिल्कुल आई है, वो महलों के लिए भेज दिया हमने। तुमने जाया गड़बड़ कर दो, क्यों आप मिलना चाहते हो? अरे हम देखते हैं तेरे को, हम ले जाते घर ही। तो इसमें क्या बात है, महलों के लिए चले जाइए, वहाँ मिलाओ जाके। वहाँ बड़ी भौजिया हुई वही हल्ला करी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आएगी ना यहाँ भाव क्या है? इन्हें देखा हूँ घर ही भेज दो, वहाँ भौजिया हुई हल्ला करी हमें। सच कहते हो? छोटी को नहीं लाए? हमने बंगला तो आए हैं, लिया है जो इन्हें वहाँ घर के बंगला के अंदर, यानी महल के अंदर भेज दो। हम लोगों की राय पहले तो हम तो आपसे कह रहे, जाने मना थोड़ी कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारी इच्छा अगर है तो यहाँ से जाकर दे सकते हो।